कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। दिखाई गई है कि अमिता पागल है और इसी पागलपन की वजह से वो बिना बताए घर छोड़कर भाग गई है। बलराज ने अमिता को तलाक का नोटिस भेजा है। वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी चोपड़ा साहब। आप धीरज रखिए, मैं चेकअप कर लेती हूँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं भोलू थक गया ना, अभी भोलू आराम करेगा। आजा बेटी, आजा। अच्छा बच्चा है। बेटी बैठो, बैठो बेटी। डॉक्टर, ये है मेरी बेटी अमिता, और बेटी ये है डॉक्टर मधु, तुमसे मिलने आए हैं। डॉक्टर, अब क्या लेने आई तू यहाँ? जब मेरे सोमेश का एक्सीडेंट हुआ था तब क्या नहीं आई? पता है, मेरे सोमेश मुझे छोड़ के चला गया। तेरी वजह से मेरे सोमेश मुझे छोड़ के चला गया। मैं सोमेश मर गया। बेटी ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे भोलू का इलाज करने आई थी। सुना है किसी ने उसको छुरा घोंप दिया। I'm sorry. It's okay. लाओ, मैं भोलू का चेकअप कर देती हूँ। देखो ना, इसे यहाँ पे छुरा लग गया था। अच्छा, लगता है तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है इसकी। हाँ, ये ठीक हो जाएगा ना जल्दी से? Why not? लेकिन थोड़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ओके, लेकिन पहली बात, क्योंकि भोलू तुम्हारा करीबी है, नजदीक है, तुम्हारा अपना है, तुम समझ रही हो ना? जी, समझ रही हूँ। भोलू मेरा है, मेरा अपना है भोलू। तो ठीक है, जो भोलू करेगा वो तुम्हें भी करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। तो चलो बैठो, मैं समझा देती हूँ। अब ध्यान से सुनो, इस वक्त भोलू को नींद की सख्त जरूरत है, तो तुम्हें भी सोना पड़ेगा। जो दवाई भोलू खाएगा तुम भी खाओगी, जो खाना भोलू खाएगा तुम्हें भी खाना पड़ेगा, ठीक है? जी, अच्छा। अच्छा, एक बात और, कुछ दिन तुम्हें भोलू को अपने से दूर रखना होगा। दूर? मैं भोलू को अपने से दूर नहीं रखूंगी। ये मेरा सोमेश है, मैं इसे हर किसी मुझसे दूर नहीं करूंगी। कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं कर सकता, समझे? समझे क्या तू? मैं तो समझ गई, अब तुम भी समझ जाओ कि मैं तुम्हें अपने भोलू से क्यों दूर रहने के लिए कह रही हूँ। बताओ क्यों? देखो, आजकल तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना? और जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम बहुत चीखती चिल्लाती हो, मारपीट करती हो, ऐसे में तो भोलू की तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अगर मैं नाराज ना हो, चीखना चिल्लाना ना करूँ, मारपीट ना करूँ तो मेरा भोलू मुझसे अलग नहीं होगा ना? फिर क्यों रहना पड़ेगा मेरा? तो फिर ठीक है, मैं ये सब नहीं करूंगी। मैं भोलू के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस वक्त भोलू को नींद की जरूरत है, तुम भी जाओ बेड पर और जाकर सो जाओ। चल भोलू, अब हम दोनों ना सोएंगे। तू भी सोना, मैं भी सोऊंगी, दोनों सो जाएंगे, है ना? तो डॉक्टर मधु, अब आपके मुताबिक अमिता बिल्कुल नॉर्मल है। यस, शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जरा बुलाइए तो उसे।
पर आप लोगों को कैसा लगता है? क्या बताएं चौबा साहब, बस मैं तो इतना जानता हूं कि डॉक्टर ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया और ये मेरे लिए भगवान है। लेकिन सर, डॉक्टर को यहां पर लाने के लिए तो आप ही आए थे। और हाँ चौबा साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह अपना पद दिया। वो सब तो ठीक है धर्मवीर जी, लेकिन अमिता को बुलाइए तो सही, ताकि डॉक्टर मधु को पता लगे कि उन्हें कितनी परसेंट सक्सेस मिली। कौन कौन बुला रहा है मुझे? अरे आओ बैठो यहाँ पर। क्यों क्यों बैठू मैं? एक तो उल्टी सीधी दवा खिला खिला के मेरा दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से कहती हूँ यहाँ बैठो। अमिता, तुम्हें डॉक्टर से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं कहना चाहिए था? और वैसे भी तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले? हाँ बेटी, तू इन्हें भी बोल गई, ये चोपड़ा साहब है तेरे बॉस। ये क्या हो गया तुम्हें, बोलो। तुमने मुझे डांटा? मुझे डांटा तुमने? तुम्हारे बच्चे से मुझे डांटने की? अमिता, बिहेव योरसेल्फ। तुमने मैं मुझे डांटा? क्यों क्यों डांटा मुझे? अमिता बेटी क्या कर रहे हो? अमिता रुक जाओ। अरे बेटी क्या कर रहे हो? अमिता देखा देखा मैंने आप सबको कैसे चौंकाया। क्या मतलब? इट मींस यू आर नॉर्मल। Yes, sir. I am absolutely normal. Oh, thank God. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. I'm really sorry, Mr. Chopra. Doctor, I'm really very sorry. Papa, Yogendra, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो? आप नॉर्मल हो गई, इससे बढ़कर खुशी हमारे लिए और क्या होगी? अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरी सोमेश की कमी जरूर पूरी कर दोगे. पहले आप लोग ये बताइए कि मैंने आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की थी? ज्यादा नहीं, मेरा कारर पकड़ के मुझे धक्का दे दिया था। तुम मुझे भी मारने झपटी थी? और बस मेरे गाल पर दो तीन थप्पड़ मारे थे दीदी। और मेरे साथ क्या क्या किया था ये तो तू पूछ ही मत। ओ, तो मैंने वाकई आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया था। देखो अमिता, अभी जो भी हुआ उसको भूल जाओ, ये बताओ तुम ड्यूटी कब से ज्वाइन कर रही हो? ये कल से ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। मैं एक बार फिर आप सब से माफी चाहूंगी। Forget it. लेकिन क्या सर? दोबारा पागल बनने की एक्टिंग मत करना प्लीज। अरे ये बेटी, तुम किसको फोन कर रही हो? बलराज को पापा, वो कितना खुश होंगे जान के कि मैं नॉर्मल हो गई हूँ। हेलो हेलो, कौन? मम्मी जी नमस्ते। कौन, रानी बोल रही है? नहीं नहीं, अमिता, अमिता बोल रही हूँ मम्मी जी। ओह, अमिता। हाँ मम्मी जी, अमिता। मम्मी जी, मैं एकदम नॉर्मल हो गई हूँ। पर राज कहाँ है? बात सुन, अब यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या क्या मतलब? और सुन बलराज, अब तुझे कभी नहीं मिलने वाला है। बलराज, ये तुमने क्या किया? सर, वेलकम वेलकम अमिता, आओ। ये रहा मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट और मेरी जॉइनिंग रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, बैठो। थैंक यू सर। देखो अमिता, पेंडिंग वर्क की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना काम कर सकती हो आराम से करो। जी सर। और सुनो, कभी किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना, ओके? यस सर। ऐसे क्या देख रही हो? सर, बुरे वक्त में तो सचमुच साया भी साथ छोड़ गया, लेकिन गैरू ने अपनापन दिखाया। यू आर रियली ग्रेट सर। बस बस बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ काम शुरू करो। थैंक यू सर। वेलकम। अमिता, मुझे मम्मी ने कुछ कहा है?
मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, कहीं बाहर चलें? नो, नेवर। ओ शांति, आज चाय में फिर शक्कर इतनी डाल दी। ओहो, तो आपको कौन सी डायबिटीज है? अरे तो क्या करवा के छोड़ोगी? कोई बात नहीं, नमकीन खा लो, बराबर हो जाएगा। आपको भी ना बस झगड़ा करने के लिए मौका चाहिए। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान से दिख रहे हो, एनी प्रॉब्लम? अमिता ऑफिस गई थी। तो मैंने जब उससे बात करनी चाहिए तो उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, नहीं बात करती तो ना सही, तुझे उससे बात करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, लेकिन तूने उससे बात ही क्यों की? हाँ, जब बात अदालत तक पहुँच गई है तो फिर उससे बात करने की क्या जरूरत है? और देख बेटा, मैंने रानी को बहू बनाने का फैसला कर लिया है, अब तो रानी ही इस घर में बहू बनकर आएगी। देख बेटा बलराज, एक बात मेरी जरूर मानियो, थूक कर मत चाटियो। हाँ बलराज, देख बेटा, पागल होने वाला फिर ठीक नहीं हो सकता, कभी ना कभी उसका पागलपन उभर के बाहर आता है, और फिर भाई के मौत का सदमा उसे जीवन भर कचोटते रहेगा बेटा। हाँ बेटा बलराज, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसी बलबूते पर पहली ही तारीख में हमारी अपील मंजूर हो जाएगी। बस बंद कीजिए, आप लोग अपनी ही गाते जाएंगे या मेरी भी कुछ सुनेंगे? सुना, तू क्या कहना चाहता है? लेकिन देख देख बलराज, कुछ भी कहने से पहले ये सुन ले कि वो पागल इस घर में बिल्कुल नहीं आएगी। मम्मी अब वो ठीक हो चुकी है। पापा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही अन्याय कर दिया है उसके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। देख बलराज, अब ज्यादा हमदर्दी जताने का वक्त नहीं है बेटा। अब एक बार ओखली में सर डाल ही दिया है तो मुसलों से क्या डरना, उसे छुटकारा पाने में ही हम सबकी भलाई। चुप कीजिए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दिया, अब बता तू क्या करेगा? मैं अमिता के पास जाऊंगा। ये इसे क्या हो गया है? लड़का हमें बर्बाद करके रहेगा। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं आप लोगों की नज़रों में गिर चुका हूँ। इस जन्म में मैं आप लोगों से नज़रें नहीं मिला सकता हूँ, मगर फिर भी बेशरम होकर आप लोगों के पास आया हूँ। हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था, वो मेरी परीक्षा ले रहा था ना, आज उसने मेरी झोली फिर से खुशियों से भर दी। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया। मैं तुमसे इतना हक खो चुका हूं कि तुम्हें अपने मन की बात कह सकूं, क्योंकि कदम कदम पर मैंने तुम्हें जलील किया है, लेकिन हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, अगर आपको कुछ कहना ही है तो दीदी से कहें, यही बेहतर होगा। जानता हूं, लेकिन मुझे आप सबसे मिलना था। रहा सवाल अमिता का, मैं उससे भी मिल लूंगा और माफी मांग लूंगा। क्यों आए हो यहां? दीदी प्लीज। अमिता बेटी, समझने की कोशिश करो। खबरदार जो हमारे बीच कोई बोला तो। देखो दीदी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैंने कहा ना, हमारे बीच कोई नहीं बोलेगा। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। अमिता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों, आज क्यों शर्मिंदा हो? योगेंद्र के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालते वक्त कहाँ चले गए थे ये शर्म? मुझे अपनी पत्नी को दुत्कारते समय क्यों बेशर्मी का चोला ओढ़ लिया था तुमने? अरे
उस वक्त तो मुझे तुम्हारी हमदर्दी की सख्त जरूरत थी, लेकिन तुमने क्या दिया? नफरत? हाँ हाँ नफरत, और आज यही नफरत मेरे जुबान पर बैठी जहर उगल रही है। अमिता, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुहावरे मत सुनाओ मुझे, अगर शाम ना होती तो क्या तुम आज यहाँ आते? जवाब दो। अमिता, मैं समझा नहीं। अगर मैं ठीक नहीं होती तो क्या तुम यहाँ मेरे पास आते? हरगिज नहीं। अरे गर्ज पड़ी तो मुंह उठाए चले आए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो तुम। प्लीज अमिता, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे किस तरह माफी मांगू? प्लीज। ना ही तुम माफी मांगने लायक हो और ना ही मैं तुम्हें माफी देने लायक हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर बाई चांस मुझे फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया तो तब क्या करोगे तुम? फिर से मुझे मेरे पापा के दरवाजे पे फेंक जाओगे? फेंक जाओगे ना मुझे? बिलीव मी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या गारंटी है? तो क्या मुझे माफी नहीं मिलेगी? मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करो ना अमिता। तुमने कोशिश की थी? बोलो। सोमेश की डेथ के बाद जब हम सब गम की आंधी में उजड़े पड़े थे, तब क्या तुमने हमारे जज्बातों को समझा था? इंतहा का वक्त आया तो किनारा कर गए, दूध की मक्खी की तरह हमें निकाल फेंका तुमने, दिखता है तुम पर। अमिता, मैं एनीवे, हमारे केस की अगली तारीख कब है? अब उस तारीख से मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे लेना देना है? क्या मतलब? क्योंकि अब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। अमिता, अमिता ये तुम क्या कह रही हो? अब गनीमत इसी में है कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। अमिता प्लीज। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। I say get out. दीदी, दीदी ये क्या कर डाला आपने? योगेंद्र, मेरे ज्यादा जिंदगी में दखल मत दो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर मैं होता कौन हूं? क्या हक क्या मेरा? दीदी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि आप खुश रहे। जीजा जी के वापस आ जाने के बाद मुझे यह यकीन हो गया कि अब तलाक की नौबत नहीं आएगी, लेकिन दीदी मैं आपको पहचानने में भूल कर गया। बस, क्या कुछ और भी कहना बाकी है? अमिता बेटी, होश में बात करो, ये क्या बोलते चले जा रहे हो तुम? आप कुछ मत कहिए पापा। हाँ अंकल, आप भी कुछ मत बोलिए, और दीदी आप भी ज्यादा टेंशन मत लो, आप जो कुछ कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन मैं अब जा रहा हूं। बेटी, ये तो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं किया, इतनी पत्थर दिल मत बन। मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता पापा। बेटी योगेंद्र को रोक रोक ले बेटी, ये मत भूल कि परसों राखी है। हाँ बेटी, रोक ले बेटी, उसे रोक ले, जा। ने तुझे मुझसे छीन लिया, अभी पिछली राखी पर ही तो तूने मुझे भूलू दिया था, और योगेंद्र ने मुझे एक स्पेशल गिफ्ट देने का वादा किया था। लेकिन दीदी, योगेंद्र अपना वादा कभी नहीं भूलता। योगेंद्र, मेरे भाई तू आ गया? हाँ दीदी, मैं आ गया, और वो भी एक स्पेशल गिफ्ट के साथ। तू आ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। चल पहले बैठ यहाँ पर।
प्रणाम अंकल। खुश रहो बेटे। अब बता मेरा स्पेशल गिफ्ट कहाँ है? अभी देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? दीदी आप गिफ्ट लेने से इनकार नहीं करोगे? भला मैं क्यों इनकार करने लगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक मिनट। दीदी ये रहा आपका स्पेशल गिफ्ट। दीदी आज एक भाई राखी की सच्ची कीमत चुका रहा है। हाँ बेटी अब इनकार मत कर रहा, तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां आज भगवान ने तुम्हें दे दी। देखो दीदी आपने प्रॉमिस किया था। तू सचमुच बहुत समझदार है रे। दीदी इंसान ही गलतियों का पुतला है, अगर पश्चाताप सच्चा है तो माफी मिलनी ही चाहिए। तुम दोनों ने अग्नि के साथ फेरे तलाक लेने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का जन्म और जन्मांतर तक साथ निभाने के लिए लिया। अब तुम दोनों को वो वादा पूरा करना होगा। हाँ बेटे। बेटे। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।